मुमरा पनवेल हाईवे पर एक अलीशान गजाली ढाबा है, जहां आप फैमिली के साथ अच्छा वक्त बिता सकते हैं। और आपको यहां लाजवाब औधी, टर्किश, अरेबियन क्यूजिन, साथ ही स्पेशल डिश में पाए थाल प्लेटर खप्चा, वाइड रेंज ऑफ बेवरेज, यूनिक सीटिंग अरेंजमेंट फॉर ऑल, किड्स प्ले एरिया, किड्स राइड्स और एम्पल्स ऑफ पार्किंग। साथ ही आप वेडिंग और बर्थडे पार्टी के लिए भी बुक कर सकते हैं। तो आज ही आए गजाली फैमिली ढाबा। पिछले महीने जो है वो लोगों को टोरेंट के रिगार्डिंग जो है वो कोर्ट से नोटिस आई थी 2000 लोगों को। हमने ये कहा था कि 2000 लोगों को नोटिस आई है, लेकिन हमने ये कहा था कि मतलब ये स्पेसिफाई नहीं किया था कि भाई सिर्फ मुमरा के लोगों को आई है, लेकिन हमने कहा, लेकिन बहुत लोगों ने हमको इस बात की जो है वो इस बात के लिए कहा है कि भाई आप लोग जो डेटा सामने प्रोवाइड करते हो और दूसरी पार्टी वाले जो है वो डेटा के ऊपर जो है अपने वीडियोस में इस्तेमाल करते हैं या अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस्तेमाल करते हैं, तो इस चीज़ से ये जाहिर होता है कि भाई कोई भी पार्टी जो है वो ग्राउंड लेवल पर काम नहीं कर रही है। अगर किसी ने टोरेंट के मामले में काम किया है तो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग ने काम की है और ग्राउंड लेवल पर की है, 1-to-1 कंज्यूमर से मिलकर बात की है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि जैसे कि सबको पता है कि विजिलेंस का जो मामला दर्ज हुआ था लोगों के ऊपर, जो कोर्ट की नोटिसेस आई थी वो उसको हमने क्लेम किया था कि ये गलत तरीके से चार्ज किया गया है। तो इस चीज़ को हम लोगों ने MSCDCL के जो ऑफिसर हैं उनके सामने हमने ये सारे पेपर्स लेकर बैठे थे, और इसमें जो जो लोगों ने हमारा साथ दिया, मैं सारे कंज्यूमर्स का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि हमारे एक वीडियो पर वो हमारी ऑफिस पर आए अपने अपने केस को लेकर, और उन्हीं के सारे केस को लेकर हम जो है वो वहाँ पर बैठे थे। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमने उनको ये तो प्रूफ कर दिया कि इन्होंने जो विजिलेंस के चार्जेस लगाए हैं वो गलत तरीके से लगाए हैं, और MSCDCL ने भी कहीं ना कहीं ये कंसीडर किया है। इसलिए आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि टोरेंट पावर पर जो है मुस्लिम लीग ने जो है वो जांच बिठाई है, क्योंकि ये साबित हो चुका है जिस तरीके से हम लोगों ने वहाँ पर रिपोर्ट दी थी उससे ये साबित हो चुका है कि टोरेंट पावर गलत तरीके से विजिलेंस के चार्जेस लोगों पर लगा रही है। और ये है वो जांच की जो कॉपी जो टोरेंट पावर के ऊपर अभी जो है वो जांच बैठेगी। इंशाल्लाह 23 तारीख को जो है ये नोटिस रिलीज हो चुकी है। अब जो है वो टोरेंट पावर को एक एक लोगों का हिसाब देना पड़ेगा कि हर लोगों पर जो है उन्होंने विजिलेंस के चार्जेस किस तरीके से लगाए हैं, क्योंकि ये जो चार्जेस लगाए इससे कम से कम नहीं बोलेंगे तो भी मतलब तकरीबन जो है वो 25-30 करोड़ रुपए का जो है वो मुमरा के लोगों को जो है वो नुकसान हुआ है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात इसके अंदर ये है कि कहीं ना कहीं MSCDCL को भी शक आ गया है कि इन लोगों ने जो गलत तरीके से चार्जेस लिए हैं इसमें उनका भी नुकसान है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है, इन एडिशन टू दिस प्लीज कंफर्म दैट द प्रॉपर एंट्रीज रिलीज सॉरी रिलेटेड टू थेफ्ट डिटेक्शन आर डन इन IT सिस्टम सो एज सो सिक्योर MSCDCL पीरियड रेवेन्यू। ठीक है, इससे ये भी साबित हो, मान लीजिए कि 1000 लोगों के ऊपर इन लोगों ने विजिलेंस का चार्जेस लगाया, ठीक है, लेकिन इन्होंने शो किया 500 लोगों का, तो इसमें नुकसान किसका हुआ? तो MSCDCL भी समझती है कि इन लोगों ने जो है ये अंदर कोई घपला कर रहे हैं, ये लोग किसी ना किसी तरीके का नुकसान हो रहा है। तो ना सिर्फ लोगों का नुकसान हो रहा है, अब MSCDCL को भी समझ में आ गई ये बात कि उनका भी नुकसान कहीं ना कहीं हो रहा है। तो इसीलिए जो है अब टोरेंट पावर पर जो है वो जांच बैठेगी, जिन 2000 लोगों के ऊपर जो है ये नोटिसेस गई थी उन सब के इंशाल्लाह जो है अब इस बिना पे सबसे अच्छी बात ये है कि अगर ये जो है वो साबित हो जाएगी, क्योंकि हम तो वहां पर रहेंगे उनकी रिपोर्ट देने के लिए, अब ये साबित हो जाएगा तो कहीं ना कहीं ये ग्राउंड बनता है कि टोरेंट पावर मुमरा से जा सकती है, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रूफ है कि उन लोगों ने गलत तरीके से चार्जेस लगाए और ये जो है इनका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है मुमरा से। अभी जो NCP वालों ने पीछे के दरवाजे से मोर्चा निकाला था, ताला लगाने जा रहे थे, तो उसके बारे में क्या कहना है आपका? बहुत बड़े पैमाने पर बता रहे हैं मोर्चा किया इंटरनेशनल लेवल पे, कैसा है ना वो मुझसे क्या, आप किसी भी राह चलते लोगों से पूछोगे तो कोई भी बताएगा कि वो नौटंकी थे, हर किसी को पता है, क्योंकि ये नौटंकी वो पहले भी कर चुके हैं, उन्होंने कहा था कि भाई लाश से गुजरना पड़ेगा, लेकिन आज हर किसी के मुंह पे ये लफ्ज है कि अब मैं ऑन कैमरा नहीं लेकिन हर किसी को मालूम है कैसे कैसे कमेंट, जितने भी न्यूज चैनल पे ये वीडियो वायरल हुए हैं उसके नीचे कमेंट्स पढ़ लो, उससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगी। आपको नहीं लगता कि टोरेंट वालों को ऑन टेबल बिठाकर उन्होंने अपनी सारी शर्तें मंजूर करवाई लिखवाया और उनको हर चीज में हाँ में हाँ करवाई, ये सारा
उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया मोरा वालों के लिए कि सारी शर्तें मंजूर करवा ली। कैसी शर्तें? उनका कहना है। कैसी शर्तें? कैसी शर्तें? कैसा पेपर? मतलब आपको कोई पेपर प्रोवाइड हुआ है? जैसे एक शर्त उनकी ये थी कि भाई टोरेंट को अगर किसी के ऊपर विजिलेंस का केस बनाना है तो कम से कम उसको 3 महीने तक 3 नोटिस मिलनी चाहिए, 3 नोटिस के बाद ही उनके ऊपर वो केस बना सकते हैं। अब रूल तो ये बोलता है कि 1 महीने की नोटिस मिली, उन्होंने तो वो भी कभी नहीं दी। और दूसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट मैं आपको बता दूं, ना इधर की ना उधर की, सीधी बात बताती हूँ। इससे पहले जब इलेक्शन आने वाला था लोगों ने क्या स्टेटमेंट दिया था, हमारी लाश में से गुजरना पड़ेगा लेकिन टोरेंट आने नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि वो लोग बाद में उन्होंने खुद भी एक्सेप्ट किया कि ये तो चुनावी जुमले थे, हमको बोलना पड़ता है। दूसरी बात, अब जो इन्होंने जो नौटंकी की है इसके बारे में मैं आपको बता दूं, आने वाले चुनाव अभी कहीं ना कहीं हो सकता है, कॉर्पोरेशन चुनाव नजदीक ही है। अब आने वाले दिनों में आपको ये भी लोग बोलेंगे, एनसीपी वाले ये भी बोलेंगे कि आपका विजिलेंस पूरा माफ, आपका पिछला पूरा बिल माफ, आप नया मीटर लगाओ, नया करो। अब ये चीज पहले भी बोली गई थी लेकिन आज लोग पीडी से सफर कर रहे हैं या नहीं कर रहे, पीडी के चार्जेस उनके ऊपर लग रहे हैं या नहीं लग रहे, सिर्फ चुनाव के टाइम पर अपने लोगों को या अपनी गलती को छुपाने के लिए ऐसे ऐसे स्टेटमेंट देना ये गलत है। ये लोगों के जज्बात के साथ लोगों के साथ ये खेलना होता है, ये उनको धोखा देना होता है। तो मैं जनता से अपील करूंगी कि इनके इस तरीके के कोई भी वादों पे ना जाए। इलेक्शन आने वाला है, ये हर इस तरीके के आपसे वादा करेंगे कि आपका पीडी माफ हो जाएगा, आपका विजिलेंस माफ हो जाएगा, आपके ऊपर एफआईआर नहीं लगेगा, आपका ये। जैसे ही इलेक्शन खत्म हुआ फिर वो टोरेंट वाले यहाँ पर आ जाएंगे और आपके पिछले 10 साल का पूरा रिकॉर्ड निकाल के बोलेंगे कि भाई ये चार्जेस आपके ऊपर लगे हुए, तब आप क्या करोगे? तो ये मैं आपसे अपील करती हूँ मुमरा के लोगों से कि प्लीज ऐसी इनकी जो है बातों पे विश्वास न करें। आपके पास सारे एविडेंस है टोरेंट के खिलाफ लेकिन उसके बावजूद आप जा करके टोरेंट में ताला नहीं लगाते लेकिन दीगर पार्टी ताला लगा लेते, क्या कहेंगे? देखो अभी एक बात बताओ, लोगों ने ताला लगाया लोगों पर, उनमें से किसी को जो है वो गिरफ्तारी नहीं हुई, उनके ऊपर किसी तरह का केस नहीं बना। नहीं मगर फ्रंट का जो ऑफिस है उधर कोई नहीं गया, तो यही तो पीछे की बात कर रहे हैं। इससे तो साबित होता है ना, मतलब मुझे वो एक का जो ऑफिस है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब बड़े ऑफिसर में नहीं। तो एक है ना हमारे उसमें एक मैगजीन है रेस स्पा लोकेटर, जिसके अंदर ये होता है कि थिंग्स स्पीक्स इटसेल्फ, जो चीजें दिखती है उसे खुद समझ में आता है कि भाई ये चीजें जो हो रही है वो प्री प्लान थी, हर चीज हर किसी को पता था, हर अधिकारी अंदर बैठे हुए थे, हर किसी को पता था। ये जो साबित हो रही है ना वीडियो, इससे साबित हो रहा है कि सारी चीजें प्री प्लान थी, आपने सिर्फ इलेक्शन आने वाले हैं तो लोगों को धोखे में डाल रहे हो, उसके अलावा और कुछ नहीं है। एक मिनट, एक बहुत इंपॉर्टेंट दूसरी बात ये बोलना है कि हम लोगों को जिस तरीके से पीडी के जो कंज्यूमर्स यहाँ पर बहुत ज्यादा हो गए हैं, हमने उसके लिए भी लोगों को जो है वो एमएससी डीसीएल में नोटिस दिए। इंशाल्लाह ये नोटिस देने के बाद उन्होंने वादा किया है कि बहुत जल्द जो है वो वापस से जो है पीडी की स्कीम चालू होने वाली है, जिसमें लोग जो है इंटरेस्ट माफ हो जाएगा, जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट रहेगा सिर्फ आपको वही भरना पड़ेगा। तो मेरी मुमरा वालों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस स्कीम का फायदा उठाए, कल को फिर वापस से वो टोरेंट वाले आएंगे, पीडी का आपको पूरे इंटरेस्ट के साथ लेंगे, तो आप प्लीज स्कीम का जो है वो फायदा उठाए। अभी आप पीडी के खिलाफ स्कीम बता रहे हैं, आप ही बोल रहे थे कि अगर पीडी है तो वो 6 महीना या 6 साल बाद जो है वो ले नहीं सकते, वसूल नहीं सकते। हाँ, अभी आप बोल रहे हैं भरने नहीं, के नहीं, लिए 2 साल, ये जो है वो सेक्शन, ये सेक्शन बोलता है कि अगर 2 साल से ज्यादा जो है अगर उसको आपने नहीं पूछा तो आप उसका नहीं ले सकते, लेकिन जो 2 साल है, लेकिन 2 साल के अंदर है और आपके बिल इश्यू कर रहे हैं, 2 साल 3 साल 1 साल कोई ऐसा साल नहीं देख रहा, सिर्फ पीडी ही देख रहे हैं। तो आप भरने के लिए भी बोल रहे हैं एक तरफ, और एक तरफ बोल रहे हैं कि आप मत भरिए। वो जो लाइव कंज्यूमर होते हैं उनके अगर बिल पर कोई अमाउंट 2 साल से ज्यादा नहीं होता। सब पीडी वालों को मत बोलो ना, आप मेंशन करके बोलो कि कौन से पीडी वाले। पीडी तो ऐसे होता है, लाइव कंज्यूमर अलग है और पीडी अलग है। पीडी आप बोले ना 2 साल में अगर नहीं वसूली हुआ तो आप नहीं ले सकते। नहीं कर रहे थे हम लोग, वो लाइव कंज्यूमर की इन्होंने खुद बोला है, बयान है इनका, पूछिए ना इनसे। लाइव कंज्यूमर, लाइव कंज्यूमर के बिल पे अगर कोई अमाउंट 2 साल तक नहीं दिखता है तो आप नहीं ले सकते। इन्होंने पीडी क्या है 2 साल बोले पीडी, जो लाइव कंज्यूमर के जो बिल है ना उसके ऊपर अगर वो अमाउंट नहीं दिखता है दैट मींस वो पीडी का अमाउंट नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर पीडी का अमाउंट वहाँ पर दिखता है तो वो उसको भरना है। और जो मैंने कहा था 2 साल से, तो 2 साल का अगर मेंशन वहाँ पर होता है तो वो उसको भरना पड़ता है, और जो 2 साल वाले है ये स्कीम जो है उन लोगों के लिए। आपका बयान ये था पीडी अगर है
और दो साल हो गया है कंपनी नहीं वसूल कर पाई तो पीडी फिर नहीं वसूल कर सकती। नहीं, 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 अभी आप बोल रहे हैं कि नहीं नहीं भर तो भर दीजिए। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के जो है सेक्शन 56 ये आपका बयान है, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, इसीलिए आपको मैं वापस से दोहरा रही हूं कि आप उसको जाकर पढ़ लीजिए जिसमें ये बाकायदा लिखा हुआ है कि जो लाइव कंज्यूमर्स होते हैं जिनके बिल पर जो है वो मेंशन की जाती है चीज, और अगर किसी की मेंशन नहीं है तो मेरे पास मेरे ऑफिस में आइए और बताइए कि ये देखो मेरे बिल पे जो है ये चीजें मेंशन नहीं है फिर भी मुझसे पीडी का बिल वसूल किया, फिर मैं देखती हूँ कैसे आपके वो पीडी का बिल वसूल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। दरअसल मैं कहना ये चाह रहा था कि जो वो दो से तीन दिन पहले जो तमाशे किए गए टोरेंट ऑफिस के टोरेंट ऑफिस पर, तो वहाँ पर जो है ऐसा लग रहा था कि हर चीज़ प्री प्लान्ड थी। अगर आप लोग देखोगे तो कांच पर भी अगर हाथ मारा जा रहा है तो कैमरे की तरफ नज़र है, और एक इंसान है जो कांच पे पैर मारे लेकिन नजर जो है वो कैमरे की तरफ है ना। तो कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि एक हमारे देश के महान व्यक्ति और एक महान वैज्ञानिक ने ये कहा था कि आप जनता को मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस तरह की बचकानी बातें लोगों के गले नहीं उतरती है, लोग मजाक उड़ाते हैं। आपको अगर तकलीफ हुई थी जनता को लेकर के मुमरा शहर के लोगों से और माँ बहनों से, इतनी तकलीफ मोहब्बत थी आपको, तब आप लोग कहाँ थे जब लोगों के ऊपर बिना मतलब का विजिलेंस लगाया गया? तब आप लोग कहाँ थे? आपका आंदोलन कहाँ था? आपके लोग कहाँ थे? अदना से अदना आपका कार्यकर्ता दिखाई नहीं दिया वहाँ पर कि ये कहते हुए कि लोगों को धमकाया गया जब घर जा जा करके। डायलिसिस पेशेंट हमारे पास मुमरा के अंदर इतने पेशेंट्स हैं, इतने लोग हैं जो बेचारे बिना लाइट के आज भी 48 आवर से ज़्यादा रह रहे, उनको धमकाया गया, उनके घर पे जाके उनको बिना पूछे लाइट काटी गई, उनके मीटर काटे गए। उस वक्त आप लोग कहाँ थे, है ना? तो ऐसा है कि देखिए जो हुआ ये इसके पीछे ये टोरेंट का, और हो सकता है कि जो लोगों ने वहाँ पे नौटंकी की इन लोगों के बीच में कुछ वो हुआ हो कि भाई मुआयदा हुआ हो कि भाई तुम्हारी प्रॉपर्टी पे नुकसान नहीं होगा, हम लोग सिर्फ ये पब्लिक स्टंट कर रहे हैं और उसके बाद में अगर कुछ नुकसान होते हैं तो उसकी भी भरपाई कर दी जाएगी, हो सकता है ऐसी कुछ बातें हुई हमारे कमीशन में से काट। तो अभी कैसा है कि हम लोग जो है मुस्लिम लीग आज मुमरा शहर मुमरा की जनता जानती है कि टोरेंट का मसला हो, हॉस्पिटल का मसला हो, हर मसले पर अगर कोई पार्टी ग्राउंड लेवल पर काम कर रही है तो वो खालिस मुस्लिम लीग पार्टी है। हम लोग घर घर जा जाकर बेवकूफ़ बनाने के लिए ना साइन लेते हैं ना कुछ, हम लोग पेपर वर्क से काम कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला इसके ऊपर मुमरा शहर को मुस्लिम लीग जीत दिलाएगी इंशाअल्लाह।